सवाल यह है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ या नहीं। अगर हुआ तो कितने गुनाहगार हैं, किस तरीके से पेपर लीक को अंजाम दिया गया, आखिर चीटिंग का सिकंदर है कौन। इन सवालों के जवाब की तलाश में जांच एजेंसी हर एक एंगल पर हर एक तथ्य को खंगाल रही हैं। अलग अलग राज्यों में गिरफ्तारी का कुल आंकड़ा 29 तक पहुंच गया है। उधर बिहार में जारी जांच का दायरा राज्य की सीमाओं से निकल करके झारखंड तक पहुंच गया है, जिसके तार चीटिंग के नालंदा मॉड्यूल से जुड़े हैं। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस एक्शन ले रही है, हर बदलते दिन के साथ बिहार से झारखंड, दिल्ली से गुजरात तक फैले लीक कांड के मकरजाल की परतें खुल रही हैं। लेकिन सवाल है कि सॉल्वर गैंग तक नीट परीक्षा का पेपर पहुंचा कैसे। नीट परीक्षा में गड़बड़ी या कहिए पेपर लीक वाली धांधली को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। 4 जून को रिजल्ट आने के बाद से ही छात्र आरोपों की लंबी चौड़ी फहरिस्त के साथ सड़कों पर हैं। तो बिहार के पटना से शुरू हुआ कानूनी एक्शन का दायरा झारखंड तक पहुंच चुका है। देर रात बिहार की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने झारखंड के देवघर से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंकू कुमार, परमजीत सिंह उर्फ बिट्टू, चिंटू उर्फ बालदेव कुमार, काजू उर्फ प्रशांत कुमार, अजीत कुमार, राजीव कुमार उर्फ कारू, ये सभी बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं, जिन्हें झारखंड के देवघर से झुनू सिंह के मकान से पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी देवघर में मजदूर बनकर रह रहे थे। कई अहम सुराग ईओयू के टीम को लगे थे, जिसके बाद छापेमारी झारखंड के देवघर में की गई। देवघर के एम्स अस्पताल के बगल के एक मकान से ईओयू के टीम ने 6 लोगों को हिरासत में लिया और बीते रात उसे लेकर वो पटना दफ्तर पहुंची, जहां उनसे कई घंटों तक पूछताछ की जा रही है। अब तक जो पूछताछ है वो प्रकरण चल रहा है। माना जा रहा है कि देवघर से गिरफ्तार सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है। बताया जा रहा है कि सफेद रंग की डस्टर गाड़ी की वजह से बिहार से झारखंड तक फैले पेपर लीक के मकरजाल का खुलासा हुआ। ये डस्टर गाड़ी है सफेद कलर की, और इस सफेद कलर की गाड़ी में सिकंदर नाम का शख्स बैठा था, जो सरकारी विभाग में, जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात था। उसके साथ रांची का एक ठेकेदार भी बैठा हुआ था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ करनी चाही तो उसने वो भागने की कोशिश करने लगा। उसके पास से 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए, और जब पुलिस तलाशी ले रही तो उसमें से 4 एडमिट कार्ड मिला, और ये वही डस्टर कार्ड कार है जिससे कि तलाशी के क्रम में, पूछताछ के क्रम में पता चला कि एक रात पहले खेमनी चक के लर्न एंड प्ले स्कूल में कई बच्चों को वहाँ पर प्रश्न पत्र के आंसर रटाए गए थे और वहीं पर रात में रखा गया था, क्योंकि दोपहर 2 बज चुके थे, एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। जब आयुषराज, जो DAV के स्कूल में एग्ज़ाम दे रहा था, वहां पर पुलिस पहुंची तो पता चला कि एग्ज़ाम दे रहा है। एग्ज़ाम देने के बाद फिर आयुषराज से बात होगी, और फिर तमाम मुद्दों का खुलासा हुआ, जिसे बाद में ईओयू को सौंप दिया गया, और अब ईओयू उस तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। हर बदलते दिन के साथ ईओयू की जांच में नया खुलासा हो रहा है। पेपर लीक के नालंदा मॉड्यूल के साथ ही हजारीबाग भी चर्चा में है। पटना में जले प्रश्न पत्र से बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक नीट का पेपर हजारीबाग से एक सेंटर से लीक हुआ। दरअसल पटना में जांच के दौरान प्रश्न पत्र की जली हुई बुकलेट मिली है, जिसका कोड हजारीबाग के एक सेंटर का है। यही वो तथ्य है जिसके सामने आते ही जांच का दायरा बिहार से निकलकर झारखंड तक पहुंच गया। इधर ईओयू ने अब तक हुई जांच में
सामने आए सभी तथ्यों की जानकारी केंद्रीय शिक्षा विभाग को सौंप दी है। तीसरा जो चरणबद्ध जो निकलना था उसको रद्द किया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा है, बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है संजीव मुखिया करके है, जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा। ईओयू की जांच हो या सियासत के सूरमाओं के बयान, संजीव मुखिया को पेपर लीक का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। तस्वीर देखिए, साधारण सा दिखने वाला यही वो चेहरा है जिसे पेपर लीक कांड का मुख्य सरगना कहा जा रहा है। हालांकि अब तक इस संजीव मुखिया को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। शुक्रवार को एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक संजीव मुखिया के पैतृक गांव नालंदा के नगर नौसा पहुंचे तो पता चला लंबे समय से उसे किसी ने नहीं देखा। इस वक्त संजीव मुखिया के घर पर हैं, उनके भाई हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? राजीव। संजीव मुखिया क्या भाई हैं? हाँ भाई हैं छोटे। कहाँ है संजीव मुखिया? हमको नहीं पता है। बताया जा रहा है कि फरार चल रहे हैं। तो न्यूज में आते ही रहता है कि फरार चल रहे हैं, लेकिन हमको कहाँ नहीं पता है कहाँ है। संजीव मुखिया के परिवार में सिर्फ बेटा शिव डॉक्टर है, कहा जा रहा है कि वो भी सॉल्वर गैंग का सदस्य रहा संजीव मुखिया की तरह। कहने का तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, हम तो गांव में रहते हैं तो हमको तो उतना कोई मतलब है नहीं। अब ऐसे भी उनसे मतलब नहीं रहा, जब से बंटवारा हुआ उतना मतलब रहता नहीं। ये मामला नहीं है, इससे पहले भी संजीव मुखिया का नाम पेपर लीक के दूसरे मामलों में आ चुका है। बताया जा रहा है कि संजीव मुखिया ने पटना के खेमनीचक में 20 से 25 कैंडिडेट्स को लर्न प्ले स्कूल के बॉयज हॉस्टल में ठहराया था, यहीं पर उसने अभ्यर्थियों को पेपर के जवाब रटवाए। इधर पेपर लीक के एक और आरोपी सिकंदर यादवेंदु के कबूलनामे से जांच का दायरा और बढ़ता दिख रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।